हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉबर्टी एंड स्टैटिस्टिक्स ओके सो एज़ पर द बी सिलेबस ये मॉड्यूल थ्री और मॉड्यूल फोर के कोर्स को कंप्लीट करेगा और कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था क्योंकि कि सर मॉड्यूल थ्री मॉड्यूल फोर और मॉड्यूल फाइव के भी एम चाहिए मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू जो जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस बेस्ड था न्यूमेरिकल मेथड बेस्ड था उस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और जो लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ओके सो लेट्स स्टार्ट लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज़ If एफ एक्स इज प्रॉबलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी infinity इन्फिनीटी एफ ऑफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू अब दिस इज़ वेरी एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर डिस्क्रीट में चेंज कर दूँ तो सभी प्रॉबलिटीज का सम क्या होता है सभी प्रॉबलिटीज़ का सम क्या होता है वन ओके सो फॉर ऑल आई द प्रॉबर्टी फॉर ऑल आई अब इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हो जाता है वो वन हो जाता है तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस ओके सो दिस वन इज द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास इफ ए रेंडम वेरिएबल एज्यूम्स इफ ए रेंडम वेरिएबल एज्यूम्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कोई रैंडम वेरिएबल है वो इस तरीके से वैल्यू रख रहा है जैसे थ्री फोर माइनस थ्री माइनस फाइव और सो so ऑन ये आ, तो इस तरीके की अगर वैल्यू रख रहा है तो वो जो रैंडम वेरिएबल होगा उस रैंडम वेरिएबल को क्या कहेंगे ऑब्वियसली उस रैंडम वेरिएबल को, को हम क्या कहेंगे डिस्क्रीट क्योंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं वन थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव there is a diff dis, distance between these two points these all all of these points so do ke kisi bhi do ke beech mein hamare paas distance hai to wo discrete alag alag points hai so we will say that it is discrete random variables ab isi question ko agar main change kar du let's uh, change it so third question you see मैंने change कर दिया question को. अगर random variable है, for random variable is there uh, and uh, it presumes it, uh, sorry it assumes इनफाइनइट और काउंटेबली इनफाइनइट नंबर्स इनफाइनइट नंबर्स भी हैं साथ ही साथ काउंटेबली इनफाइनइट अनकाउंटेबली इन्फाइनइट नंबर्स हैं वैल्यूज़ के मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स मतलब जो डिस्टेंस है बहुत ही आ, बहुत क्या डिस्टेंस है ही नहीं सो काउंटेबली इन्फाइनइट नंबर्स हैं सो दैट्स वाई इन सच केसेज वी कॉल दोज रैंडम वेरिएबल एज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरियंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में को वेरियंस जो होगा वो क्या होगा सो वॉट इज को वेरियंस एक्चुअली को वेरियंस क्या होता है को वेरियंस ऑफ सपोज एक्स वन एक्स टू टू वेरिएबल्स आर देर रैंडम वेरिएबल्स सो इट फॉर दैट को वेरियंस इज यू नो एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 and x2 minus expected value of x1 expected value of x2 and expected value of x1 is nothing but mu mu1 or this is mu2 because mean is nothing but expected value of uh, x फर्स्ट मोमेंट फर्स्ट मोमेंट भी जो होता है वो मीन ही होता है ठीक है सो इफ इफ़ टू इन इन टू फॉर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए ये जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू होता है वो इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू ठीक है तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल हो गई सो दैट्स वाई ये दिस बिकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू this is already here the same term so both term is one term is positive and second term is negative तो दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो हो गए ठीक है सो कोवेरियंस ऑफ दिस x1 वन एंड x2 टू इज ज़ीरो इसका मतलब अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कोवेरियंस क्या होगा ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस नहीं हो रहा था कि uh, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल अभी मैंने बताया कि क्या होता है मीन अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है वॉट इज़ फर्स्ट मोमेंट तो फर्स्ट मोमेंट भी मीन ही होता है ठीक है और अगर कहा जाए रें वेरियांस क्या होगा सो so वेरियांस होता है म्यू टू माइनस म्यू वन स्क्वायर याद होगा आप लोगों को ठीक है मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर ये सब चीजें आप लोगों के ध्यान होगी ठीक है सो so, इस क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज नथिंग बट मीन सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑल प्रॉबर्टीज इज वन आई थिंक ये तो uh, आपको पता ही होगा बिकॉज पहला क्वेश्चन ही हम इसी बेस पे कर रहे थे सो so, ये पहला क्वेश्चन जो था वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन uh, पे बेस था ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे है सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम सम करते हैं और कंटीन्यूस uh, डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटीग्रेट करते हैं सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज़ यू ऑलवेज वन ओके उसी तरह डिस्क्रीट कंटिन्यूस uh, में क्या होता है इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल रेंज टू फाइनल रेंज सारा जो होगा माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनीटी जो पी होती है वो क्या होगी वन ठीक है सो so, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन बी क्लियर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इन अ बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एट इज नंबर ऑफ ट्रायल ओके एट इज नंबर ऑफ ट्रायल uh, of an event and uh, probability of success is 0.5 means small p is given p is uh, 0.5 and n is given 8 so aapko pata hai by in binomial distribution kya hota hai in binomial distribution and distribution mean क्या होता है बताइए distribution spelling ही गलत लिख रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है बताओ मीन इज नथिंग बट एन पी ठीक है सो एन इज गिवन एट एंड पी जीरो पॉइंट फाइव सो ये हो गया एट मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फाइव मतलब हाफ या आ गया फोर सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है उसने वेरियांस सो वेरियांस क्या होता है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियंस इज एन पी क्यू ठीक है तो एन आपके पास एट है पी जीरो पॉइंट फाइव है क्यू क्या होगा क्यू इज ऑल्सो जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि पायनोमिल uh, डिस्ट्रीब्यूशन में पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है वन सो क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी और पी यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव दिया हुआ है सो so क्यू भी जीरो पॉइंट फाइव आ गया सो इट मीन्स इट विल बी एट क्रॉस एट क्रॉस हाफ क्रॉस हाफ मतलब कि या कि आ गया आपके पास टू ठीक है सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अगर वेरिएंस दिया हो तो बट प्रेजेंटली क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से मीन क्या आएगा बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समेशन पी आई इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस फिफ्टीन फॉर ऑल आई मतलब के की वैल्यू हमें निकालनी है वट इज़ द वैल्यू ऑफ के ओके सो हमें पता है समेशन ऑफ ऑल पी आई क्या होता है सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है वन ओके फॉर ऑल आई सभी आई का सम uh, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा वन सो so, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम इन्होंने भी क्या दिया हुआ यहाँ पे so, के स्क्वायर माइनस फिफ्टीन सो इसको वन के इक्वेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्ल टू सिक्सटीन सो के इज टू प्लस माइनस फोर सो प्लस माइनस फोर ओनली फोर इज देयर सो फोर इज कैन बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सो इसका आंसर पी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पी ऑफ वन इज इक्वल टू पी ऑफ टू है किसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देन मीन क्या होगा ठीक है अब पहले तो पता होना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन इफ इ रेस्टोर माइनस एम एम रेस्ट टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ठीक है और इन्होंने गिवन दे रखा है पी ऑफ वन इज इक्वल टू पी ऑफ टू सो इट मींस आर की प्लेस पे मुझे करना है और यहाँ जो एम होता है ना वही मीन होता है ठीक है इसमें जो एम है वही मीन है सो so वही एम की वैल्यू मुझे निकालनी है इसका मतलब सो पी ऑफ वन इक्वल टू पी ऑफ टू है तो ई रेस्ट टू दावर माइनस एम एम पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ठीक है इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एम एम रेस्ट पावर आर की वैल्यू टू हिस्टर सो फैक्टोरियल टू ठीक है सो इट इम्प्लाइज क्या आ गया अपने पास ई रेस्ट टू पावर माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम इक्वल टू ई रेस्ट टू दावर माइनस एम एम स्क्वायर बाई टू ठीक है सो so यहाँ से हम ई रेस्ट माइनस एम ई रेस्ट माइनस एम कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड करोगे तो वन आ जाएगा और यहाँ से भी देखेंगे एम और एम कैंसिल हो रहे हैं सो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव हैन एंड राइट हैंड साइड आपके पास एम बाई टू आ गया सो इट एम्प्लाइज एम की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से टू ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इसमें एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए टू सो टू ऑप्शन में है क्या हाँ है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है ठीक है दिस वन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है नोट कर लेना दिस इज इम्पॉर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन एंड वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है सो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है एफ एक्स प्रॉबर्टी टेंसिटिव फंक्शन टू बाई जिग्मा ई रेस्टोर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर जिकमा होल स्क्वायर ये होता है आई होप आप लोगों को पता होगा इसमें हम जब फॉर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए क्या करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम क्या करते हैं इस एक म्यू को ज़ीरो ले लेते ले हैं आपको याद होगा और जिग्मा को वन ले लेते ले हैं ठीक है मीन को क्या लेते थे जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन को वन तो ये जो रिड्यूस होकर आ जाता है आपके पास ये बन जाता है आपके पास अंडर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू ठीक है आपको याद होगा सो so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मीन को जीरो uh, ले रहे हैं डेविएशन को वन सो मीन और स्टैंडर्ड uh, डेविएशन बोला है uh, uh, वेरियांस बोला है स्टैंडर्ड एविएशन वेरियांस क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा तो वन का स्क्वायर वन ही होगा सो म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड जिग्मा इज इक्वल टू वन तो पहले यहाँ मीन दिया है तो हम मीन की वैल्यू इनमें से कोई होगी जो पहले दी है और वेरियांस बाद में ठीक है तो हमें चेक करना है कि किस में जीरो और वन है तो ऑप्शन बी उस हिसाब से सही है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ओके

सो so मीन क्या होता है अभी जस्ट आपको बताया था बाइनोमिल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी सो एन इज फिफ्टीन आ जाना चाहिए ठीक है इफ ई एक्स रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो वेरियंस क्या होगा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में तो उस हिसाब से ये आएगा सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर ठीक है सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ईयर सो एक्स इज वेरिएट फ्रॉम जीरो टू थ्री देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपको पता होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर एक्स स्क्वायर निकालता हूँ मैं ये होता है जैसे जीरो टू थ्री दे रखा है तो जीरो टू थ्री एक्स स्क्वायर और एफ एक्स होता है ठीक है डी एक्स तो एफ एक्स की वैल्यू हीर वन सो इट विल बी जीरो टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स सो ये क्या आ जाएगा जीरो टू सॉरी एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू थ्री सो इट इज़ नथिंग बट ट्वेंटी थ्री थ्री जेर नाइन नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थ्री दैट इज नाइन सो एज पर दिस इट्स एंसर इज नाइन ओके दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज मीन इक्वल टू वेरिया किस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और दोनों सेम होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट इट डाउन लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मीन एंड मीन ऑफ दिन वेरिएट एक्स मतलब पॉइजन वेरिएबल है सच दैट पी ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू इज इक्वल टू नाइन टाइम्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एंड प्लस नाइन्टी टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स आई थिंक इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया था तो अगर मेरे होगा यहाँ पे तो मैं जस्ट शो कर देता हूँ यू कैन सी दिस ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू सेम क्वेश्चन है सो so, इसमें पॉइजन वेरिएबल uh, है ये तो

प्लस नाइनटी इंटू ई रेस्ट टू माइनस एम एम रेस्ट टू आर की प्लेस पे हम सिक्स सब्यूट करेंगे सो सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स क्यों क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ई रेस्ट टू माइनस एम एम रेस्ट टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर सो बस उसको सिंपलीफाई किया और हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है एम इज टू वन ठीक है सो एम इज टू वन इज द करेक्ट आंसर तो लेट्स आउट ये ऑप्शन में है कि नहीं है

एक्सपोनेंशियल uh, का जो मीन होता है मीन इन एक्सपोनेंशियल वो क्या होता है वन बाई लेमडा ओके और वेरिएंस क्या होता है वन बाई लेमडा स्क्वायर ठीक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ जाता है वन बाई लेमडा ठीक है सो दिस टू आर सेम इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सो कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कुछ ध्यान देना पड़ेगा ओके पॉइजन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है मीन एंड वेरियांस जो होते हैं वो सेम होते हैं ठीक है थेके? इस पर बेस क्वेश्चन आना ही चाहिए और आएगा ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इज सिमेट्रिक अबाउट किसके सिमेट्रिक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो आप लोगों को पता होता है ये बेल शेप्ड का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना होता है इस इसपे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस शेप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल में सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप का होता है और किसके अबाउट होता है सो so वो दिस इज अबाउट मीन और मीन के सिमेट्रिक होता है ठीक है ये आप लोगों को पता होगा सो so, ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आया है ये वाला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट दैट इज मीन ठीक है और क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है कि इसका बेल शेप्ड किस के कारण बनता है सो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दिस इज म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन आके टू म्यू यू नो सॉरी टू जिग्मा टू थ्री जिग्मा ये होता है आई थिंक आप लोगों को ध्यान होगा ये सब uh, जब हमने बनाया था ये दोनों तो आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में थी लेट मी शो एक्चुअली ये फिगर देख सकते हो आप ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन uh, और मीन की हेल्प से आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन uh, का कर्व बना है ये दैट इज बेल शेप्ड ओके सो so, इसमें आप देख रहे हो मीन एक्स इक्वल टू म्यू के अराउंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड राइट साइड बोथ आर सिमेट्रिक ओके हैंस इसका तो हैंस इसका आंसर तो अपने पास मीन आ गया क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑलरेडी ट्वेंटी मिनट्स होने वाले हैं दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होता है ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उसी की तरह हो गया कि समेशन ऑफ ऑल प्रॉबल्टीज़ क्या हो गया सो समेशन ऑफ ऑल प्रॉबल्टीज़ सेम और इस बेल शेप्ड जो हमने कर्व बनाया था इसमें जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करते हैं सो so इनके इनका टोटल जो एरिया आएगा वही टोटल प्रॉबलिटी होती है सो टोटल प्रॉबलिटी का सम कितना होता है आपको पता है वो वन होता है सो so, इसीलिए इसका भी जो एरिया है वो टोटल वन आएगा सो आंसर बी इज़ करेक्ट हेयर क्वेश्चन आ गया कि शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड अपॉन ये आपको क्या बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन इज फॉर अ मीन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज इक्वल टू वन अगर मीन की वैल्यू वन है तो पी ऑफ वन क्या आएगा सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर आपके पास uh, होता है ई रेस्ट टू दावर माइनस एम एम रेस्ट टू दावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ठीक है इसमें एम इज इक्वल टू दिया हुआ है मीन mean मीन एम इजल टू वन सो क्या होगा बताओ एंड इज ऑल्सोर टू वन सो मैं सब्सटी कर देता हूँ आर इज इक्वल टू वन और एम इज इक्वल टू वन सो एम इज इक्वल टू वन सब्सटीट करूंगा तो ई रेस्ट माइनस पावर आर इज ऑल्सो वन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर so e e. so, इस वन, सो इट इस नथिंग बट ई डेस्टोट बाय माइनस वन, व्हिच इज वन बाय ई, सो इसमें वन बाय ई इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ म is मीन ऑफ़ दी पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होगा? सो so, मैंने कहा था मीन और वेरिएंस पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन मे� स्क्वायर रूट टू पाई जिग्मा इरेज माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर जिग्मा होल स्क्वायर ठीक है सो आई होप ट्वेंटी वन मिनट इज ऑलरेडी गोइंग अब इससे और रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बताना मैं दे दूंगा अदरवाइज फिफ्थ मॉड्यूल के लिए जो आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है सो so प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट हमें कहाँ तक ले जाता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वन के प्लस सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी काफ़ी दिनों पहले ही हो चुके हैं सो so बहुत ही तेज़ी से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है सो दिस इज़ ऑल योर चैनल सो आप लोगों का सपोर्ट बने रहेगा तो अच्छा रहेगा So, thank you so much, guys, uh, for seeing this video. See you in the next video, then. Thank you so much.